ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जानकारी दी है। ओमिक्रॉन का खतरा तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, साथ ही कोरोना का विस्फोट बीकानेर में देखने को मिला। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता केके सिंह हमारे साथ बीकानेर से जुड़ चुके हैं। जी केके, देखिए आज बीकानेर में कोरोना का विस्फोट देखने को मिला है, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी देखिए आयुष जी, मैं बताना चाहूंगा कि बीकानेर में बड़ा विस्फोट है। अब तक लगातार दो और चार से ही ज्यादा संख्या नहीं आ रही थी, लेकिन अब आज एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव आना अपने आप में बड़ी बात है। जहां तक हम बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के नोखा में भी 3 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उसके अलावा बीकानेर के खतूरिया कॉलोनी की बात करें, पवनपुरी की बात करें, आर्मी एरिया की बात करें, यहां पर सब जगह से एक एक व्यक्ति, दो दो व्यक्ति। आचार्यों की घाटी शहर के अंदरूनी क्षेत्र में भी ये प्रवेश कर चुका है। कुल मिला के अब एक तरह से रिस्की जोन माना जा सकता है बीकानेर में भी कोरोना का जो फैलाव है। जहां तक हम बात करें बीकानेर के जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी बराबर एहतियातन प्रयास जारी है, ओमिक्रॉन से लड़ने का भी प्रयास जारी है, और जगह जगह अब सैंपलिंग भी ली जा रही है। जहां पर कोरोना की सैंपलिंग ली जा रही है वहीं से ही ये सब कुछ निकल के सामने आ रहे हैं। और कुल मिला के अब और प्रचार प्रसार की भी स्थिति कहीं ना कहीं बीकानेर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और बीकानेर के जिला कलेक्टर नमित मेहता और CMHO डॉक्टर BL मीणा के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम जारी है। जी जी, शुक्रिया केके, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।